ये देखिए ऐसे ये पूरे रास्ते ना ऐसे खड़ी होकर के ही जाती है, बैठती नहीं है। हे गाइस ये देखिए स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए व्लॉग में। और दोस्तों अभी हम लोग के शहर में मेले का सीजन चल रहा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम लोग मेला चलेंगे घूमने के लिए। तो कौन से मेला जाएंगे, कहां पर है और ये सारी चीजें आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन इसको देखने के लिए आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नहा धोकर के हम लोग तैयार हो गए हैं, मेला में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि आज जो है कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि व्लॉग बनाते समय हम आशी के साथ में हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, और वहाँ पर मेला में जाने के बाद से झूला पर भी बैठने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक लोग को तो आशी को पकड़ने के लिए बस चाहिए होगा। तो देखते हैं कौन बैठ पाता है और कौन नहीं बैठ पाता है, वो अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा क्या माहौल बनता है। और वहाँ पर तो वॉइस भी नहीं आएगा हम लोग का, क्योंकि इतना आवाज़ होता है, इतना हल्ला होता है, और मेरे पास तो फोन ही है फिलहाल में अभी, तो इस वजह से नॉइस कैंसिलेशन इसमें है नहीं। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग चलेंगे अपने स्कूटी से, और स्कूटी हम लोग की तैयार है। और इस पे लेकिन खास बात यह है कि जब आशी बैठती है तो बीच में बैठती नहीं है, वो डायरेक्ट खड़ा हो जाती है, क्योंकि बैठती है तो उसको बोरियत लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो फंस रही है। तो आइए बैठते हैं और चलते हैं, और आशी को भी दिखाते हैं कि कैसे वो खड़ी हो जाती है। चलो बैठ। हाँ। अरे 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 क्या हुआ, क्या अरे होना अरे यार इसी तरह से ये जैसे ही बैठती है तुरंत चिल्लाने लगती है कि खड़ा करो, और बीच में खड़ा होकर के जाती है ऐसे। ये देखिए ऐसे ये पूरे रास्ते ना ऐसे खड़ी होकर के ही जाती है, बैठती नहीं है। हे गाइस ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वहां पे जहां पे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, और वो है गोरखनाथ का मेला। तो आइए अब अंदर चलते हैं। मेला लाने पर आपका इंतजार कर रही हूँ, मेला लाने पर कैसा लगा लाइन में लग के, कैसा लगा? मेरा तो बहुत अच्छा था भाई, मुझे लाइन में लगना ही नहीं पड़ा, किनारे से मैं पतली गली से निकल गया था। हाँ आज भीड़ ज्यादा है। वैसे यहाँ पर एक से डेढ़ महीने तक का मेला रहता है, जनवरी और फरवरी के आधे तक का, और उसके बाद निकल जाता है। अरे ये जय कर रही है, आशी जय कर रही है, देखो आशी जय कर रही है। ये रहा यहाँ का स्टॉल, इतना सारा दोनों साइड से लगा हुआ है, ये देखिए। और इधर अंदर साइड में झूला वगैरह लगा हुआ है, तो अब वहीं चलते हैं और देखते हैं कि कौन से झूले पर हम लोग बैठ पाते हैं आशी के साथ में। मुझे तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों मेले में
में ना मुझे एक भैया मिले जो कि चाय दे रहे हैं और इनका देने का तरीका बिल्कुल भी अलग है। इनके पीछे एक बैग लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हरिद्वार टी के नाम से लिखा हुआ है, 8 रुपए में और 10 रुपए में। और इनका जो चाय देने का तरीका है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कुछ अनोखा स्टाइल है, अलग ही स्टाइल है। और भैया सभी चाय हम लोग लेंगे और देखते हैं कि कैसे देते हैं, इनका क्या तरीका है देने का। हरिद्वार टी के नाम से, हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, भैया हरिद्वार से हैं इसीलिए इनके चलता फिरता दुकान का नाम हरिद्वार टी है। तो अगर आप लोग भी कभी आइएगा यहाँ पे तो इनका चाय जरूर सिर्फ मेले के समय मिलेंगे। अच्छा, महाराज जी का मेला करने आते, मेला बढ़िया होता है, कोई सुविधा नहीं है, दुकान बढ़िया लगा आपका जो बिल्कुल अलग है, देखने में काफी नया लगा, हम देखे नहीं अभी चल रहा। ये वो जो क्या करते हम लोग यूज करते हैं जेट, वो अलग चीज है। हाँ नहीं, जेट जो हम लोग यूज करते हैं ना, यही वाला है, वो जेट जेट जो हम लोग यूज करते हैं उसका अलग है, उसका अलग। हाँ ठीक, ठीक है भैया। हाँ अच्छा है, ओके थैंक यू। ये नंबर हमारा ले लीजिए, उसका चीज। अच्छा ठीक है, नंबर दे दीजिए, कार्ड है आपके पास? कुछ कार्ड नहीं, नंबर ले लीजिए मोबाइल। अच्छा ठीक ठीक, तो गाइस मुझे फ्री में जाने को मिल गया है क्योंकि थोड़ा जान पहचान है, तो जान पहचान होने की वजह से अब मैं फ्री में झूले पर झूल लेता हूँ। तो आइए चलते हैं, और ये झोला रहेगा मेरे पास में और आशी और प्रतिष्ठा नीचे रहेंगे, सिर्फ मैं ही जाऊंगा भाई। आओ नंबर 2 में जो भी अधिकारी कर्मचारी गण लगे हुए हैं, बाय कर दो, बाय बाय, दिखाई दे रहे हैं, स्पॉन्सर करिए भाई। यही है झूला जिस पर मैं बैठूंगा, ये पूरे मेले में सबसे अलग झूला है और नया है, पहली बार आया है, बाकी सब पे तो बैठे ही हैं हम लोग। आपका भी नहीं आ गया ना? लो भैया बैठ गया झूले पे, अभी तो भरा नहीं है, मैं ही अकेला बैठा हूँ, अभी जब भर जाएगा थोड़ा और तो फिर चलेगा। वैसे अकेले मज़ा तो नहीं आ रहा है, आशी और प्रतिष्ठा जी रहती तो और मज़ा आता, लेकिन अब क्या ही कर सकते, आशी भी बहुत परेशान कर रही है, बहुत रो रही है, प्रतिष्ठा जी गई है उसको कुछ खिलाने के लिए बिस्किट वगैरह खरीदेंगी, और मैं सोचा कि चलो तब तक मैं झूला ही घूम लेता हूँ। दोस्तों कुछ लोग आकर के बैठ गए हैं, अब सिर्फ मेरा वाला ही रो खाली है, अब यही दो चार लोग बैठ गए हैं तो फिर झूला चलेगा। चालू हो गया, चालू हो गया, आए अबे चालू बात चालू हो गया भैया, वाला पलट दिया जाते हो सर, वजन मत दिया अरे पूरा नचा दे रहा हूँ। चलो भैया अब उतरने का टाइम आ गया, बहुत झूलाया पूरा गोल 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 कर करके, तो भाई झूले से फाइनली मैं उतर चुका हूँ, और अब चलते हैं देखते हैं प्रतिष्ठा जी और आशी कहाँ है, क्योंकि वो इधर कहीं दिख नहीं रहे आसपास, पता नहीं बिस्किट कहाँ लेने चली गई हैं, अब चलते हैं खोजते हैं, हो सकता है आस पास ही हो। कहाँ है भाई आशी, आशी कहाँ हो भाई, दिख नहीं रही हो। हाँ झूल लिए हम, क्या कहाँ गायब हो गई, लग रहा कोई कहीं निकल उकल ली क्या? अरे वही लेकर के आ गई होती,
अच्छा गाइज, हम लोग मेले में से बाहर आ चुके हैं। मेला खैर मंदिर में ही लगता है, अभी हम लोग मंदिर में ही हैं, लेकिन मेले वाले साइड से हट गए, दूसरे साइड आ गए हैं। और वैसे सबसे ज्यादा जो मेले का मजा है ना, वो मैंने उठाया, क्योंकि झूले पे बैठने का मौका मुझे ही मिला, आशी और प्रतिष्ठा को नहीं मिला झूलने के लिए, क्योंकि आशी इतना परेशान कर रही थी और आशी छोटी भी है तो झूले पे तो वैसे भी नहीं बैठ पाएगी, तो एक लोग को बाहर पकड़ के इसको खड़ा ही रहना पड़ेगा। तो डिसाइड यही हुआ कि भाई प्रतिष्ठा जी आशी तो पकड़ी रहेंगी और मैं झूला झूल के आऊंगा। लेकिन गाय जो झूला था ना, वो इतना ज्यादा खतरनाक था, मतलब इतना गोल 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 पूरा जितना देर झूलाया गोल गोल करके, ऐसा लग रहा जैसे चक्कर आ जाएगा, बाहर निकलते ना ऐसा लगा कि अभी बस गिर जाएंगे। लेकिन खैर अपने आप को संभाल लिए और अब तो मैं खैर नॉर्मल है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मजा आया झूले पे झूलने के बाद से, क्योंकि मेले में जाओ और झूले पे ना झूलो ना तो पूरा मेला बेकार हो जाता मेरे लिए, बाकी इन लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हाँ तो बेकार तो हो ही जाएगा, जब झूले पे बैठने को मिला ही नहीं तो बेकार तो होना ही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, आंसू इतना परेशान किया हम लोगों को, इतना परेशान की तो क्या ही बताएं, इतना रोई ना, इतना रोई कि हम लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या करें, अब मेला छोड़ के घर चलें या फिर यहीं रुके रहें। लेकिन कुछ समय के बाद इसको कुछ खिलाए पिलाए तो थोड़ा सा शांत हो गई, ये तो काफ़ी परेशान कर रही थी हम लोग को। हाँ, भूख लग गई होगी या जो भी रहा होगा, मतलब एकदम से नानी याद दिला देती है अगर इसको कहीं ले करके जाओ और कोई पकड़ने वाला ना हो हम दोनों लोगों के अलावा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएगा और चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या कर रहे बाबू, आप तो हंसो ही परेशान करके, पूरा परेशान करके अभी तो हंसी आ रहा है। हाँ।